देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 25 अक्टूबर का है ये। 25 अक्टूबर का सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था। इस पर भी काफ़ी ऑब्जेक्शंस हैं। नीचे दिए गए तर्क हैं, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। और दूसरा पुका है, नहीं, यह निर्माण सर्वाउद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो केवल एक माना है, केवल एक तर्क मजबूत है। मगर वास्तविकता दोस्तों ये है कि केवल तर्क एक मजबूत नहीं है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो दो डी होना चाहिए, यानी एक और दो दोनों तर्क मजबूत हैं। ये इसका आंसर होना चाहिए। सोम क्लासेस की टीम की तरफ से ये सजेशन है आपको, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। मगर दोस्त देखिएगा, हमने पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं जैसे जैसे हैं। आपने जो जो कमेंट बॉक्स में डाले थे इन क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको जल्दी बता देंगे। और हमें प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर आगे है, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 है, इस पर भी ऑब्जेक्शंस हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बछड़ा जो है गाय का बच्चा होता है, यानी गाय से पैदा होता है बछड़ा। और जो हम इसी तरह बात करें, लार्वा किससे पैदा होता है? लार्वा होता है मच्छर का जन्म देने के लिए। तो लार्वा किसके लिए सही होना चाहिए? इसमें आंसर हमारा मच्छर होना चाहता है। मगर कीट किसने माना है? बोर्ड ने कीट माना है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन डाल दें, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन का जो आंसर लगाया है ज्यादातर स्टूडेंट ने मच्छर लगाया है। तो इस तरह इसका आंसर मच्छर होगा। आप इस क्वेश्चन नंबर 60 के लिए भी ऑब्जेक्शन डाल दें। 25 अक्टूबर का क्वेश्चन था एक, जिसमें इसमें भी ऑब्जेक्शन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, जिससे दूसरा पद संबंधित है। ये क्वेश्चन था, शिक्षक स्कूल से तो एम्पायर कैसे संबंध होगा? तो दोस्तों, जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो पिच माना है। अगर हम आपकी बात करें, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसका आंसर मैदान होगा, आप एक बार चेक करें। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर मैदान ही होना चाहिए। जैसे शिक्षक स्कूल में होता है, स्कूल में निर्णय देते हैं, बच्चों को सलाह देते हैं, पढ़ाते हैं, उसी प्रकार इसी काम को सेम मैदान में एम्पायर करते हैं। पिच पर अगर मैं वास्तविकता में बात करूं, पिच इसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्पायर कहाँ होता है? मैदान में होता है। और एक चीज़ का हो ध्यान दीजिएगा कि पिच हमेशा क्रिकेट के मैदान में होता है। अगर हम अदर इस मैदान की बात करें तो उनके नाम होर होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए था? मैदान। तो आप इसके लिए भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत कमेंट्स में हमें यह भी मिला है कि क्वेश्चन नंबर 73 भी गलत है आंसर जो बताया है। यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो ये दिशाएं होती हैं, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। ये कह रहा है कि ये दिशाएं बदल जा रही हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा आपका? ये दिशा। और ये दिशा बदलकर कहाँ जा रही है? उत्तर, यानी 145 डिग्री एंगल रोटेट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ये। इस तरह का जो 145 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है, 145 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है, तो आपने सभी दिशाओं को ऐसे ही घुमाना है। तब वो पूछ रहा है कि आपका ये जब पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्या होता है? दक्षिण पश्चिम ये दिशा होती है। आप इसे जब 145 घुमाएंगे तो ये दिशा यहाँ आ जाएगी। और ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों? ये दिशा होती है पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? पूर्व। ये क्वेश्चन बोर्ड ने माना है, हमारा आंसर भी शायद ऐसा ही है। अगर आपको फिर भी इस पर कोई डाउट है तो आप इसके लिए पिटिशन डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन 74 है, इसमें भी दो दो लोगों ने बोला है कि ऑब्जेक्शन है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये बोल रहे हैं कि अतुल उत्तर की तरफ, अतुल उत्तर की तरफ चलता है 5 किलोमीटर। उत्तर ये दिशाएं बनाइएगा आप, ये उत्तर होगा आपका, जैसे जानते हैं ये 5 किलोमीटर चला है इस दिशा में, 5 किलोमीटर चला इस दिशा में। फिर बोल रहे हैं कि दूरी तय करने के बाद फिर दाई ओर मुड़ता है, दाई कौन सा होगा आपका? ये दिशा दाई होगा, ये दिशा दाई होगा। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं फिर वह दाई ओर मुड़ता है, कितना? दाई ओर मुड़ता है, ये दाई ओर हो जाएगा और फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि वह अब अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो दोस्तों ये इसका आरंभिक स्थान था, और आरंभिक स्थान से अब किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है किस दिशा में है, तो इसका आंसर पूर्व होगा। और ये पूछता किस दिशा में जा रहा है तो दक्षिण हो जाता, तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व। इसका आंसर पूर्व है। अगर आपको फिर भी ऑब्जेक्शन है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ है 25 अक्टूबर को, उसके ऑब्जेक्शंस क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं।
देखिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो है इसी सवाल पर है, 98 पर, जिसमें दिया है बार चार्ट में 2016-17 में एबीसी की 5 शाखाओं का अनुपात ये A1, A3, A4 समथिंग करके दिया गया है, और एक चार्ट दिया गया है, पूछा है वर्ष 2016 से 17 का, वर्ष 2016 से 17 का। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि 16 से 17 का, इस चीज को ध्यान दें, 2016 से 17 का शाखाओं का A1, A3 तथा A5 की बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो देखेगा 2016 में जो कुल बिक्री का अनुपात है वो 40 होगा, और जो 2017 में भी घड़ियों का अनुपात है वो भी 2040 ही होगा। देखिए क्योंकि A1 में 2017 में कोई घड़ी नहीं बिकी, अगर इस तरह हम रेशो निकाले तो रेशो आएगा हमारा 1:1, जो इसमें नहीं है, और बोर्ड ने कहा है जो इसमें है आप वो आंसर देंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं इस तरह के सवाल को बोर्ड गलत मानेगा, और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबको आंसर मिले, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन इसका आंसर आना चाहिए वो इसमें नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबको आंसर, सबको मार्किंग होती है। इसका सही आंसर जो है वो 1:1 है।